नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करके दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एक स्विच बोर्ड है और इसमें आप या तो यहाँ पर सभी स्विच लगा सकते हैं। यदि आपको कहीं पर आपको 10 स्विच लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप इस स्विच बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आपको अपने घर में कमरे के अंदर स्विच बोर्ड लगाना है तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अंदर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग से दी गई है ये काटने के लिए। और यहाँ पर आप सॉकेट लगा सकते हैं या फिर दोस्तों कोई सॉकेट जैसे साइज का, अगर इस तरह का कोई फैन रेगुलेटर हो उसको लगाना हो तो भी आप इसको काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आप सॉकेट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप सॉकेट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप सॉकेट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप सॉकेट लगा सकते हैं। ये काटने के लिए साइड में जगह दी गई है। या फिर आप यहाँ पर स्विच लगा सकते हैं, कहीं पर भी आपको इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो पहले मैं ये सभी चीज़ें इस स्विच बोर्ड के ऊपर लगा देता हूँ, उसके बाद में इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं ये फ़ैन रेगुलेटर, यहाँ पर किटकैट फ्यूज़ लगाऊंगा और यहाँ पर लगाऊंगा ये बल्ब होल्डर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लगाऊंगा एक सॉकेट। तो मैं सबसे पहले ये सीट जो है साइड में से यहाँ पर से काट कर और ये सभी चीज़ें लगा देता हूँ इसके अंदर। जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये होल्डर लगाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। तो ये प्लास्टिक का स्विच बोर्ड है, इसलिए आप इस पर कहीं भी कोई भी पेच लगा सकते हैं और किसी भी चीज़ को कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक के मटेरियल की चीज़ का ये एक फ़ायदा होता है। दोस्तों पहले आपको जो है बल्ब होल्डर की
वायर लगा लेने चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर है और इसके अंदर जाकर फिर वायर जल्दी से लगे नहीं, इसके लिए आपको पहले ही वायर लगा लेनी चाहिए। ये दोस्तों ये वायर कनेक्ट कर लिए हैं और इस बल्ब होल्डर को हम इसके अंदर लगा देते हैं। ये इसके वायर हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो अब दोस्तों हमारी ये सभी चीज़ें इसके ऊपर लग गई है और अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बल्ब होल्डर की वायरिंग हम इस स्विच के साथ करेंगे, इस सॉकेट की वायरिंग हम इस स्विच के साथ करेंगे, और ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट होता है, और ये फैन रेगुलेटर है, इसकी वायरिंग हम इस स्विच के साथ करेंगे, और ये किट कैट फ्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ इस तरह के लूप लेने होंगे जो वायरिंग के अंदर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और ये मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक्सटेंशन केबल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो इस एक्सटेंशन केबल का यानी कि स्विच बोर्ड का जो फेस सप्लाई का इनपुट वायर होगा जिसमें बिजली होगी और वो आपको स्विच बोर्ड के अंदर लगाना है, उसका वायर आपको सबसे पहले इस किटकैट फ्यूज़ के ऊपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आपको जो वायरिंग करनी है वो इस किटकैट फ्यूज़ के आउटपुट से लेकर करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब इन सभी स्विच की कनेक्शन आपको करनी है और इस इंडिकेटर का कनेक्शन हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर फेस सप्लाई दे देता हूँ। तो फेस सप्लाई देने के लिए इन सभी में आपको कुछ इस तरह के लूप लेने होंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आप इनके ऊपर लगा सकें। तो इन सभी स्विच के पेच जो है वो आप क्लोज कर लीजिए और उसके बाद में आपको इसके अंदर से ये लूप डालना है। ठीक है दोस्तों, अब इस किटकैट फ्यूज़ के आउटपुट इस टर्मिनल से आपको वायर यहाँ पर लगाना है, फेज़ वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर से इस किटकैट फ्यूज़ के आउटपुट टर्मिनल पर से आपको फेज़ वायर लेना है और इस स्विच पे कनेक्ट कर देना है, और इस स्विच पर से आपको ये लूप कनेक्ट करके यहाँ पर कनेक्शन लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारी इनपुट सप्लाई इन सभी स्विच के ऊपर दे दी है हमने। तो अब बचता है हमारा न्यूट्रल वायर और इन सभी के वायर, जैसे कि फैन रेगुलेटर और बल्ब होल्डर। ठीक है दोस्तों, तो फैन रेगुलेटर का एक वायर आपको इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और फैन रेगुलेटर का ये वायर आपको फैन के फेज वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है, और जो न्यूट्रल वायर है वो आपको न्यूट्रल सप्लाई के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका फैन रेगुलेटर भी कनेक्शन हो जाएगा। अब बचता है हमारा ये बल्ब होल्डर। तो बल्ब होल्डर का वायर आपको जो है, जो ये फेज वायर है, ये आपको इस स्विच के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है।
ठीक है दोस्तों। और जो हमारा ये सॉकेट है इसका कनेक्शन आपको यहाँ पर करना है इस स्विच के साथ में, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर L लिखा हुआ मिले यानी कि लाइन लिखा हुआ मिले वहाँ पर आपको फेज वायर कनेक्ट करना है इस स्विच के साथ में, ठीक है दोस्तों। और अगर आप और भी कोई बल्ब, फैन या फिर ट्यूबलाइट वगैरह स्विच के कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्यूबलाइट का एक वायर लगा सकते हैं जो फेज वायर है, और न्यूट्रल वायर है वो आप किसी भी न्यूट्रल सप्लाई के साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे दो स्विच एक्स्ट्रा बच गए हैं। अब आती है हमारी न्यूट्रल सप्लाई की वायरिंग। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ये आपको लेकर आना है इस सॉकेट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये बात आप याद रखिए कि स्विच बोर्ड में न्यूट्रल सप्लाई का वायर वहीं पर यूज़ होगा जहाँ पर आपने या तो सॉकेट यूज़ की है स्विच बोर्ड में, या फिर आपने यदि इंडिकेटर यूज़ किया है तब आपको न्यूट्रल सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप सीधे स्विच लगाते हैं या फिर फैन रेगुलेटर लगाते हैं तो फिर आपको न्यूट्रल सप्लाई की वायरिंग की ज़रूरत नहीं है स्विच बोर्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एक वायर और लेना है हमें यहाँ से यहाँ तक का, ताकि ये इंडिकेटर हमारा काम कर सके, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लूप तैयार हो गया और ये हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब हम ये वायर यहाँ पर लगा देते हैं। ये मैं आपको वायरिंग चेक भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। कभी आप ये सोच रहे हो कि ऐसे कनेक्शन नहीं होते या फिर कुछ और आपके सवाल मन में हो तो मैं ये आपको वायरिंग चेक भी करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर हमारा सॉकेट के ऊपर लगा है और इंडिकेटर के ऊपर लगा है, और ये हमारा बल्ब होल्डर है जो कि हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर ही लगा है, तो इसके अंदर भी हमें न्यूट्रल वायर देना है, तो वो भी हमने दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये फेज वायर है, ये फेज वायर हमने किटकैट फ्यूज़ के ऊपर लगाया और इस पे से आउटपुट वायर उठाया है और ये हमने कनेक्ट किया है इन सभी स्विच के साथ में। अब मैं आपको ये चेक करा देता हूँ, और ये जो फैन रेगुलेटर का ये वायर है ये मैं ऐसे ही टेप लगा देता हूँ इसके ऊपर, ताकि ये कहीं पर अटैच होकर किसी वायरिंग को ख़राब ना कर दे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने फिट कर दिया है ये स्विच बोर्ड, और अब मैं इसके वायर लगा देता हूँ एक्सटेंशन बोर्ड में, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर लगाते ही ये स्विच हमारा पहले से ऑन था, तो ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये सभी स्विच बंद कर देता हूँ और ये बल्ब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बल्ब होल्डर के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये स्विच ऑन करूँगा तो ये देखिए हमारा ये स्विच काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। हमारा बल्ब जो अब काम कर रहा है, बाकी किसी स्विच से ऑन नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर कनेक्शन किए थे, तो इसको ऑन करते ही हमारा बल्ब ऑन है। अब मैं दोस्तों आपको ये स्विच चेक करा देता हूँ, ये हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये वायर इसके अंदर लगाकर ये मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया ये हमारा बल्ब होल्डर और बल्ब भी काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वायरिंग हो गई है कंप्लीट दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी स्विच बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों ये जैसे कि हमारा किटकैट फ्यूज़ है, ये अभी
किटकैट फ्यूज़ लगा हुआ है और किटकैट फ्यूज़ सही से काम कर रहा है, तो हमारा ये स्विच बोर्ड की वायरिंग सही से काम कर रही है और ये बल्ब ऑन है। अगर हम इसे निकाल देते हैं तो ये देखिए दोस्तों, हमारी स्विच बोर्ड की पावर जो है वो ऑफ हो गई है। अब इसके अंदर हमारी कोई भी सप्लाई नहीं है क्योंकि न्यूट्रल वायर अभी कनेक्ट है और कोई वायर इसके अंदर कनेक्ट नहीं है। और जैसे ही हम ये फ्यूज़ इसके अंदर लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, फिर से सप्लाई आ गई है। तो ये फ़ायदा है दोस्तों इस किटकैट फ्यूज़ का। अगर आप कोई भी ख़राब उपकरण इस स्विच बोर्ड के अंदर चलाएंगे तो ये किटकैट फ्यूज़ जो है वो जल जाएगा और आपके वायरिंग को ख़राब होने से बचा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।